स्पेशल थैंक्स टू सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर। एक मिनट भाई, इनको क्या का थैंक्स? अगर स्पेशल थैंक्स देना ही है तो आलिया भट्ट को दो भाई, क्योंकि कितना बड़ा छोटा सा रोल था उसका पिक्चर में। अबे साले, नहीं लिटरली पूरे मूवी में आलिया भट्ट के सीन्स उतने ही थे जितने चंकी पांडे के KGF 2 में। लेकिन चंकी पांडे तो उस फिल्म में थे ही नहीं बाबा। घोंचू तू इशारे नहीं समझता क्या? जोक्स अपार्ट, बट आलिया भट्ट का रोल पिक्चर में जितना भी था बढ़िया था भाई। अरे मूवी का इंट्रो आ गया क्या? एक मिनट, में वीडियो का इंट्रो लगा देता हूँ। ये इंट्रो नहीं है क्या? सॉरी, मेरे को लगा इंट्रो है। यहाँ पर ये बना रही है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो जो लाइन खींच रही है वहाँ बंद तो रहा नहीं है कुछ। इसका मतलब है कि ये पेंटिंग भी ये नहीं बनाई है, खाली बनाने की एक्टिंग कर रही है। एक्चुअली मेरे को लग रहा है यहाँ पे शूटिंग चल रही है पक्का। ये जैसे पता ही नहीं था। अभी ऐसे मारता है और ये अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर गिर रही होती है, लेकिन जब इसे गिरा हुआ दिखाते तभी अपने राइट हैंड पे गिरी हुई है भाई। अभी ये गिर गई है और इसके हाथ में बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब ना के बराबर खून है, लेकिन बिल्कुल अगले ही पल इसका हाथ पूरा खूना खून हो जाता है भाई। और कुछ 5-8 सेकंड बाद जब सभी गाड़ियां निकल जाती है तब इसके हाथ से वापस से खून गायब हो गया। और अभी इस एंगल से देखने पे इसके हाथों में जो चूड़िया है वो इसके सर की तरफ झुकी हुई है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे चूड़िया तो इसके हाथों की तरफ झुकी हुई है। अरे लगता है मूवी का इंट्रो आ गया। एक मिनट, अरे ये भी इंट्रो नहीं है क्या? चलो सॉरी। यहाँ पे ये गेट है और इसके जस्ट बगल में ये झंडा लगा हुआ है जो कि गेट से काफी ऊपर गया हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे झंडा काफी नीचे हो गया भाई, मतलब गेट के लाइन में ही आ गया जो कि काफी ऊपर था गेट से। यहाँ पे पुलिस नेट के जस्ट पीछे ही खड़ी हुई है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे पुलिस काफी ज्यादा ही पीछे हो जाती है। अभी यहाँ पर 5 ड्रम्स रखे हुए हैं, लेकिन अगले ही पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए भाई, जिसमें भी 4 ड्रम्स खड़े हुए हैं और 2 ड्रम्स गिरे हुए हैं, लेकिन फिर अगले ही पल यहाँ पर एक ही ड्रम गिरा हुआ है और वापस से टोटल में हो गए हैं 5। क्या बात। और भाई यहाँ पर कोई भी ड्रम नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल प्रकट हो गया। इस फोटो फ्रेम पे पत्थर लग जाते हैं और ये अपने मुंह के बल नीचे गिर रहा होता है इस तरह, लेकिन जब ये नीचे गिरता है तो भाई ये उल्टा कैसे हो जाता है, मतलब मुंह उधर चले जाता है पता नहीं कैसे। बाजी यहाँ पर राम से डर के भाग रहे होते हैं और चट्टान के सामने आकर रुक जाते हैं और बस यहाँ पर आकर खड़े ही हो जाते हैं, यहाँ से आगे भागते ही नहीं। अरे नहीं चलो ठीक है, सामने चट्टान है, लेकिन ऐसा भी थोड़ी कि चट्टान कहीं जाके खत्म ही नहीं हो रहा। राइट लेके थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे तो चट्टान खत्म है भाई, भागो ना यहाँ से तो भाग ही सकते हो। इतनी भीड़ में बाजी अलग ही दिख रहे हैं भाई, नहीं किसके ऊपर चढ़ के खड़े हुए हो, क्यों हाईलाइट होने पे तुले हुए हो भाई, नीचे उतर जाओ यार। ये पुलिस वाला राम के एक्शन को देखकर बोल रहा होता है गुड गॉड, लेकिन एक्चुअली में भाई ये पुलिस वाला यहाँ कहीं पे खड़ा है और राम वहाँ पर है, मतलब इसको तो भाई दिख भी नहीं रहा होगा कि वहाँ पे चल गया है। यहाँ पर राम कोशिश करते हुए कि मैं बस किसी तरह से पाजी तक पहुंच जाऊं, और इधर पाजी पिछले 5 मिनट से यहीं पे खड़े हुए राम के एक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। अरे भागो भाई, अब किधर भाग रहे हो पाजी, अब भाग के कोई फायदा नहीं, अब राम आ गया बगल में, जब भागना था तब तो भागे नहीं आप। चलो भाई फाइनली इंट्रो आया तो सही। अरे यार क्या चल रहा है भाई, चीटिंग है ये। चीटिंग करता है तू। यार जब हम इन दोनों रस्सियों को डायरेक्ट ही कनेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ बीच में लकड़ी क्यों लगा रखे थे भाई, डायरेक्ट रस्सियों को ही कनेक्ट कर देते ना, लकड़ी वगैरह का झंझट क्यों पाते। अब एक कहाँ फेंक रहा है भाई, क्या पीप हुई के बैठा है क्या, वो खड़ा किधर है, तू फेंक किधर रहा है, जिसमें भीम को भी बेचारे को पकड़ने के लिए पूरी गुलाटी ही मारनी पड़ गई, साले सीधे हाथ में नहीं दे सकता था। 6 महीने से दिल्ली का कोना कोना तलाश रहे हैं, मल्ली को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर ली। मल्ली को छुड़ाने की नहीं, ऐसा बोलो मल्ली को ढूंढने की बहुत कोशिश कर ली, क्योंकि अभी तो आपको यही नहीं पता कि मल्ली है कहाँ, तो छुड़ाने की क्या ही कोशिश करोगे। राम बहुत दूर तक भागता हुआ आता है जग्गू को ढूंढने के लिए और यहाँ पर आकर रुक जाता है, और जैसे ही रुकता है भाई इसके चाचा पता नहीं इसके पीछे कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। नहीं भाई, राम बहुत तेजी से और अकेला ही भागता हुआ आ रहा था, चाचा थोड़ी भाग रहे थे पीछे, तो एकदम से यहाँ प्रकट कैसे हो गए भाई। और इसके पीछे इसके चाचा कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते हैं, लेकिन भाई उनकी आवाज ही नहीं आ रही। जब तक मैं नहीं कहता बाहर बिल्कुल मत निकलना। भाई मेरे हिसाब से तो इसको यहाँ छुपाने की जगह वापस अपने गांव आदिलाबाद ही भेज देना चाहिए था, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहता। घोड़ा गाड़ी का जो पीछे का गाड़ी होता है वो भीम के जस्ट बगल में ही खड़ा है, लेकिन अगले ही पल गायब हो गया। यहाँ पे भीम जस्ट गाड़ी चलाना चालू करता ही है और उसके जस्ट बगल में ये घोड़ा गाड़ी का गाड़ी पड़ा हुआ है, जो कि अगले ही पल इतना ज्यादा आगे चले जाता है भाई, जो कि बिल्कुल इसके बगल में ही था। फाइनली भाई ये वाला इंट्रो ही निकला, अब मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। अभी भीम ने अपने हाथ में ये फ्लैग भी पकड़ रखा है, लेकिन जैसे ये लोग जम करते हैं उसके हाथ से फ्लैग गायब भी हो जाता है। अभी ऊपर कहीं पे भी मटका लटका हुआ दिख ही नहीं रहा, लेकिन एकदम से भाई ये मटका कहाँ से प्रकट हो जाता है पता नहीं। Need you help? My tires have gone flat. 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक्टिवा का एक टायर पंचर हो गया था, उस एक टायर को ठीक कराने के लिए 10 मिनट लग गए थे, और इधर ये गाड़ी के चारों टायर को 5 ही मिनट में ठीक कर देगा। नहीं कमाल है भाई। अभी इस एंगल से देखने पे सामने की दोनों टायर्स पंचर दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे भाई ये वाला टायर तो बिल्कुल सही दिख रहा है। अभी जब भीम इसे बना रहा होता है तब ये बिल्कुल नॉर्मल येलो कलर की चूड़ी होती है, लेकिन एकदम से भाई इसके ऊपर ये डिजाइन कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं।
ऑलमोस्ट 5 सेकंड लगा इस गेट को इतना खुलने में, लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ा अंदर लेती है पीछे गेट ऑलरेडी बंद ही है। इतनी जल्दी? अभी ये लकड़ी को पूरा ऊपर से पकड़ता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे इसने काफी नीचे हाथ रखा है भाई, और अगले ही पल वापस ऊपर। यहाँ पे ये भीम के पीछे जाने की कोशिश कर रहा होता है और बेड के बगल में गिर जाता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे ये यहाँ कहाँ प्रकट हो गया भाई, बेड के उस तरफ गिरा था ना। और भाई सबसे फेमस और सबसे वायरल मिस्टेक जो आई थिंक आप सभी को पता है, यहाँ पर एक ही केज में भैया टाइगर भी है, डियर भी है, मस्त दोस्ती चल रही है दोनों के बीच में। मतलब भाई ये इम्पॉसिबल सी चीज जो एडिटर साहब ने पॉसिबल करके दिखाई है ना, उनके लिए यहाँ पे बोनस तो बनता ही है। अभी इन दोनों केजेस के बीच में भीम जहाँ पे बैठा हुआ है उसके लिए वहाँ पे कितनी स्पेस है ध्यान से देख लो, लेकिन भीम जैसे ही जंप करता है वहाँ गैप एकदम ही कम हो जाता है, अभी वहाँ उसके खड़े होने की भी जगह नहीं है। अभी इस वाले पिंजरे में 4 एनिमल्स है, 2 टाइगर और 2 डियर, लेकिन जैसे ये लोग जंप करते हैं तो भाई वो चारों ऑलरेडी जंप कर चुके हैं, लेकिन पीछे 2 एक्स्ट्रा ही प्रकट हो गए हैं। यहाँ पे राम जिस खंभे पे जंप करके भीम को लात मारता है, नीचे से वो खंभा ही गायब हो जाता है। और भाई मैं बहुत देर से एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि पीछे सिर्फ लोग ही है जो इधर उधर भाग रहे हैं, इतनी देर में एक जानवर नहीं दिखे। और भाई यहाँ पर राम इस लकड़ी के ऊपर खड़े होकर जंप करता है, भीम भी इस चीज के ऊपर खड़े होकर जंप करता है, लेकिन अगले ही पल दोनों के नीचे से दोनों चीजें गायब हो गई। अभी ये दोनों यहाँ पर एक साथ गिरते हैं, लेकिन कुछ 5 सेकंड बाद राम पता नहीं भाई कहाँ कोई अलग ही जगह से उठ रहा है और गीला भी नहीं है। ये स्कॉट है 15 साल पहले फ्लैशबैक वाला और ये अभी प्रेजेंट वाला स्कॉट। भाई दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं, बस बाल थोड़े सफेद हो गए, उल्टा शक्ल और जवान दिख रही है थोड़ी पहले से। अभी भीम का घुटना खूना खून हो गया है, लेकिन अगले ही पल भाई वो एरिया काफी ज्यादा साफ दिख रहा है, वहाँ खून ना के बराबर है। और भाई 1 मिनट, ये तो राम और भीम दोनों को बहुत अच्छे से जानती है और इसको ये बात पता है कि वो दोनों दोस्त है, इनको बताई नहीं क्या कि जो नीचे दोनों है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं ब्ला ब्ला। ये भीम के सामने इतना पानी कहाँ से आ गया भाई, क्योंकि जब ये लोग स्टेज पे चढ़ के आए थे तब यहाँ पे कोई पानी नहीं था। यहाँ पे राम के चाचा खड़े हुए हैं और उनके पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ है जो कि अगले ही पल पीछे से गायब हो गया। यार सिर्फ गोली बस लगने से गाड़ी कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ गई, ये तो ऐसा लग रहा है कि गोली नहीं पता नहीं क्या ही मार दी है गाड़ी पे। अभी गाड़ी पलट जाने से ये दोनों भयानक दूर फेंका जाते हैं, लेकिन भाई दूसरे एंगल से देखने पे ये गिरा गाड़ी के बगल में ही है, जबकि देख के लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जाके फेंका गया होगा। यहाँ पर ये मल्ली पे गन पॉइंट करता है तो राम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, पता नहीं क्यों। नहीं, क्योंकि राम ने खुद ही ने तो सभी गन्स खराब कर दिए थे ना, तो उसे तो यहाँ बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना चाहिए था कि भाई मैंने तो गन खराब कर दी है, कर ले कोशिश कर ले मारने की। अभी राजू ने दोनों रॉड्स को एकदम मिडल से पकड़ रखा है, लेकिन वही बाहर के एंगल से देखने पे इसने काफी नीचे से पकड़ रखा है भाई। तो एक्चुअली में भीम की मदद यही करती है, भीम को पूरा नक्शा यही समझाती है कि अंदर क्या चीज कहाँ पे है। लेकिन एक मिनट भाई, इसमें भी एक कैच है। मूवी में हम स्टार्टिंग से यही देखते आ रहे हैं कि ना भीम को इसकी भाषा समझ आती है ना इसको भीम की भाषा समझ आती है, तो ये इसको क्या ही समझाई होगी और वो क्या ही समझा होगा और कैसे समझा होगा भाई, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। और भाई ये बीचों बीच रस्सी किसने बांधी और क्यों बांधी है, ताकि चोर आराम से अंदर घुस जाए। और भाई ये रस्सी बिल्कुल बीचों बीच काफी दूर तक बंधी हुई है, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि ये रस्सी भीम ने खुद ने बांधी है। अभी भीम ने जिस लॉकेट को पकड़ा हुआ है उसमें एक काला धागा भी बंधा हुआ है गले में टांगने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसको राम वाले लॉकेट से अटैच करता है भाई उसे काला धागा ही गायब हो जाता है। और राम ने सीता को ये लॉकेट तोड़ कर दिया था, लेकिन जब भीम इसे राम वाले लॉकेट से लगा रहा होता है तब ये तो बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है जैसे इसमें चुंबक लगा हो। और भाई सबसे मेन बात, जाते समय भीम ने सीता से लॉकेट तो लिया ही नहीं था, ऐसे ही निकल गया था, तो फिर इसके पास लॉकेट कहाँ से आया भाई। अभी ना राम ना भीम किसी के भी हाथ में एक भी गन नहीं है, लेकिन एकदम से भाई ये भीम के हाथ में 2 गन्स कहाँ से आ जाती है पता नहीं। ये दोनों तीर एक साथ इतनी ऊपर नीचे कैसे आ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई तीर चलाने वाला बंदा तो एक ही है ना राम, भीम तो तीर वैसे भी नहीं चला रहा है, तो कैसे भाई। अभी इस बाइक के आसपास काफी लोग गिरे हुए हैं, लेकिन बाइक के जस्ट सामने कोई भी नहीं गिरा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे एक बंदा प्रकट हो गया। अबे ये बंदा अच्छा खासा नीचे गिर रहा था, एकदम से हवा में स्लाइड कैसे करने लग गया भाई। अभी भीम ने चक्कों के बीच में ये जो डंडिया होती है गाड़ी को उससे पकड़ रखा है, लेकिन भाई इन पतली पतली डंडियों में इतनी ताकत थोड़ी होती जो इतनी भारी गाड़ी का वजन उठा ले, इसको तो पट्टे से टूट जाना चाहिए था। और भाई ये गाड़ी इतनी सीधी स्ट्रेट खड़ी कैसे है मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है, क्या हैंडल वेंडल लॉक हो गया क्या। नहीं भाई, क्योंकि भीम ने जिस तरह से गाड़ी को पकड़ रखा है गाड़ी का हैंडल मुड़ जाना चाहिए था और गाड़ी का ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। राजू को लड़ाई करते करते तीर मारते मारते रात से सुबह हो गई है, लेकिन पीछे तीर अभी भी उतने के उतने ही है भाई। उल्टा मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में जितने तीर थे उससे 2-4 ज्यादा ही है अभी पीछे। सामने इतनी खतरनाक जलती हुई बाइक उड़ती हुई आ रही है, लेकिन बंदे को है कोई टेंशन? ये तो मस्त एंटिटी से टेंशन करके खड़ा हुआ है। और भाई ये बाइक नीचे की तरफ गिर रही है, सामने की तरफ नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे आके एकदम से बाइक अंदर ही घुस जाती है भाई, पता नहीं कैसे। अभी राजू ने ये जो लॉकेट पहन रखा है उसमें सिंगल ही होल है, लेकिन जब रात में भीम ने उसे ये लॉकेट पहनाया था तब भाई उसमें 2 होल थे, 2 रस्सियां बांधने के लिए।
एक मिनट भाई, इसको किस बात की इतनी खुशी हो रही है, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब इन लोगों ने मिलके इसका घर उड़ा दिया, इसके परिवार के एक एक बंदे को खत्म कर दिया, मतलब इसका सब कुछ खत्म कर दिया। और इधर इसको देखो, मतलब इसके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं, लिटरल थिएटर में जब अचानक से ये वाला सीन आया ना, तो हम में से किसी को हजम ही नहीं हो रहा था भाई। और मैं वही थिएटर में बैठे बैठे ही सोच लिया था कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस वाले पार्ट पे बोनस जरूर ऐड करूंगा। तो भाई अगर अभी तक भी KGF 2 मिस्टेक वीडियो नहीं देख रहे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो भाई। और अगर ये वाली वीडियो सही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो, और मिलते हैं वीडियो में। बाय। क्या बोल गया।